पहली रामायण सर्किट ट्रेन रविवार 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना की गई। ये ट्रेन 17 दिनों की यात्रा में 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस दौरान भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट, काशी, नेपाल स्थित राम जानकी मंदिर और रामेश्वरम समेत कई जगह जाएगी। वहीं लगातार इस तरह के ट्रेन की मांग श्रद्धालुओं की तरफ से और भी की जा रही है। साथ ही ट्रेन में कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई हैं। पर्यटक ट्रेन में यात्री कोच के अतिरिक्त 2 रेल डाइनिंग रेस्टोरेंट, 1 आधुनिक किचन कार और यात्रियों के लिए मिनी लाइब्रेरी आदि की सुविधा भी उपलब्ध की गई है और सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और सीसीटीवी कैमरे भी हर कोच में उपलब्ध रहेंगे। जो 16 दिन की यात्रा के अंदर यहाँ रेस्टोरेंट में जो व्यवस्था है 60-60 लोगों की, 120-140 लोगों की बैठ के खाने की व्यवस्था है, जहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पूरे टाइम, मतलब कितने खाने की बात होगी, भजन होंगे, भगवान श्री राम का नाम होगा और यात्रा होगी। मतलब संपूर्ण यात्रा में अपने आप में एक अलग अनूठा अनुभव है जो पहला कभी ना सोचा गया ना किया गया। वहीं दूसरी ओर यात्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम काफी उत्साहित हैं और साथ ही रेलवे की तरफ से ट्रेन के रवाना होने से पहले श्री राम की आरती की गई और यात्रियों ने सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही यात्रियों ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से हम भगवान श्री राम के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान हमें एक साथ कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा और इस यात्रा में बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी काफी उत्साहित दिखे। श्रद्धालुओं ने अगली ट्रेन के लिए भी पहले से बुकिंग करानी शुरू कर दी। रामराज आ गए समझो, यहाँ के तो बस मन खुश हो गया। इतना अच्छा मौका मिला है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है और बहुत खुशी हो रही है हमारे को कि बहुत अच्छा किया हमने टिकट बुक करा ली। अरे खुशी बहुत अच्छी, क्योंकि अकेले कभी इतने सालों में नहीं जा सकते। अब ट्रेन से तुमको एक चांस मिला 15 दिनों में, नहीं तो 15 साल में भी नहीं जा सकते। तो ये जो चांस मिला वो बहुत अद्भुत है और सरकार जब ऐसा सोचती है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको। वहीं रेलवे के मुताबिक आने वाले समय में और भी ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और यात्रियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं इसके बाद अगली ट्रेन भी जल्द से जल्द रेलवे के द्वारा चलाई जाएगी। टोटल न्यूज़ के लिए कुणाल की रिपोर्ट।